हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है आज हम ये दो क्वेश्चंस करने वाले हैं सो द फर्स्ट वन इज अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी इन फैक्ट ये पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ डेटा निकाला था अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन आ कंट्री तो इस वीडियो में हम उसी एस्पेक्ट को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट इज अबाउट द कॉड कॉड विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइम एंड अगेन ये न्यूज़ के अंदर रहता है एंड देर इज अ कंसर्न स्पेशली अमंगस्ट द चाइनीज कि कॉड का आ, काम ये था कि वो चाइना को कैसे कंटेन करे तो इसी रेफरेंस में वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो बार बार ये कहते हैं कि नहीं हमारा फोकस चाइना को कंटेन करने का नहीं है ये मिलिट्री अलायंस से कहीं जा है दे एफ ओ दिस क्वेश्चन इनफैक्ट इसी रेफरेंस में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कोर्ट न्यूज में रहता है और उसके आजकल कई कई नए नए इनिशिएटिव्स रहते हैं न्यूज में तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट्स मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोर्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अब ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है बट इसमें हम थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं सो वे इज़्स वेरी वेरी सिंपल सो हमें यहाँ पे बताना है ये ट्रेंड बोल रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड तो सबसे पहले आप बताइए ये ट्रेंड कौन सा है आप फैक्ट्स कोट कीजिए अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेटा निकाला है आप उसको उससे बता सकते हैं कि मिलिटेंसी कम हुई है इन द रिस टाइम्स ठीक है नेक्स्ट आपको वो बता रहा है आपको बताने हैं कौन से कौन से मेजर्स लिए है गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री ठीक है सिंपल अब हम मैंने कहा था आपसे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं यहां पे इस आंसर के अंदर इम्प्रोवाइजेशन ये कर सकते हैं जब हम मेजर्स बताते हैं तो हम बता सकते हैं वी कैन एलाबोरेट द आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म द आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये है कि स्टेट को उखाड़ बार करना है दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी वो स्टेट को डेवलपमेंट होने नहीं देते उस जगह में एंड इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो स्टेट का डंडा है या द रेट या द रेट ऑफ द स्टेट उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देते तो ब्रीफली आप यहाँ पे अपने मेजर्स बताने से पहले आप आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इसको बता सकते थे

ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है इसके आगे जो माओ लिखा ये एम लिखा होता है लिडनिस्ट लिखा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये माओ की फिलॉसफी पे आधारित था माओ की फिलॉसफी ये कहती है कि हमें जो स्टेट है उसको उखाड़ पार करना है नेसेसरली बाय द मीन्स ऑफ वायलेंस ठीक है तो सीपीआईएम और इस टाइम पे नक्सल पार्टी जब हमने देखा तो देवॉज ओनली वन प्लेस राइट जब हम टू थाउजेंड फोर तक आए देवर अबाउट टू हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट जो इससे अफेक्टेड थे तो विच इज़ वेरी वेरी बिग नंबर ठीक है इन द ईयर 2007 हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने कहा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ग्रेव है बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए सबसे आपत्तिजनक प्रॉब्लम यही है सो टू थाउजेंड तक इट वाज वेरी वेरी बैड 2010 में कहते हैं दैट दिस नंबर 200 से ये आपका 96 सिक्स डिस्ट्रिक्ट तक फैल गया था तो काफी कम हो गया था अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहां पे रेड में आप देख रहे हैं दिस बेसिकली मीन्स द रेड कॉरिडोर जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्ट विंग मिलिटेंट्स है लेफ्ट विंग कह रहे हैं मतलब दोज सब्सक्राइब टू द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को मानते हैं दैट इज वाई रेड क्योंकि उनका झंडा लाल है सो द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज द रेड कॉरिडोर इसलिए आप देख सकते हैं ये लाल इसमें मार्क किया हुआ है यहाँ पे तो ये 96 से कट गम, कम होके बिकॉज ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ये 96 से कम होके दिस हेज कम डाउन टू 42 टू डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं कि 42 टू डिस्ट्रिक्ट है अब जो रेड कॉरिडोर एरिया में है अभी और उसमें से भी जो मेजोरिटी ऑफ़ द वायलेंस हो रहा है अबाउट एटी फाइव परसेंट ऑफ द वायलेंट इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन ओनली ट्वेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट पच्चीस डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज्यादा नंबर होता है वैसे सो बेसिकली वेन यू सी दैट दिस वॉज फ्रॉम द नैसलबाडी इट वॉज एट टू हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट फोर टू थाउजेंड टेन में इतनी डिस्ट्रिक्ट और अभी हम इस लेवल पे है बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एम एच ए वी सी श्रिंकिंग ऑफ द रेड कॉरिडोर ये सब आप जब बताते हो आपने ये बताया है दैट देर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड ठीक है तो नैक्सलिज्म कम हो रही है यहाँ पे अब ये एरिया अगर हम मेजर्स बताने से पहले नेचुरली में हमें मेजर्स बताने हैं अभी तो मेजर्स बताने से पहले एक बार इनकी आइडियोलॉजी पे फोकस करना जरूरी है द आइडियोलॉजी ऑफ द नेचलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लेफ्ट कम्युनिज्म या माउज ए ने जो आइडियाज थे और इसमें ये होता है दे टारगेट दोज आइडेंटिफाई देफाईज एरियाज जहाँ पे देर इज़ लैक ऑफ डेवलपमेंट देर आर पब्लिक ग्रेवेंसिस या जहां पे ट्राइबल इश्यूज हैं इन्वायरमेंट इश्यूज हैं उन लोगों को पहले इकट्ठा करते हैं मोबिलाइज करते हैं एंड देन पुश देम इनटू मिलिटेंसी प्रोपोगडा के थ्रू या डंडे के थ्रू सो दे आर पुश्ड इनटू मिलिटेंसी ओवर हेयर ठीक है सो दैट इज द आइडिया ओवर हेयर तो बेसिक आइडिया इज लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस जगह पे है वहां पर हमें कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा ग्रो करती है ये लेफ्ट विंग ज्यादा ग्रो करती है सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न सो so नेसेरली जो इसके लिए जो मेजर्स लेंगे तो सबसे पहले अगर हम मेजर्स की बात करें यहाँ पे तो एक लाइन ऑफ एक्शन तो ये होगा दैट वी नीड टू क्रिएट हमें सारे ये बता दूंगा कौन सी कौन सी स्कीम्स है ठीक है डोंट वरी अबाउट इट बट बिफोर दैट अगर हम मेजर्स को देखें यहाँ पे तो सबसे पहले तो जो मिलिटेंट्स है मिलिटेंट्स को अटैक करना पड़ेगा बिकॉज मिलिटेंट्स आर नॉट अलाउिइंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट टू फंक्शन इलेक्शन नहीं होने दे रहे अगर वो चाहते हैं नरेगा इंप्लीमेंट करना है तो नरेगा इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे तो सबसे पहले तो मिलिटेंट्स को काउंटर करना है तो मिलिटेंट्स को काउंटर करना है ठीक है नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो दिस इज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ट बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो पहला एक्शन हो गया मिलिटेंट्स पे अटैक करना है दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब जब मिलिटेंट्स पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ना है हम लोगों ने तो यहाँ पे हमने नॉर्मली देखा है द फोकस इज ऑन पुलिसिंग अब पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो फोकसिंग ऑन इन्हेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स ठीक है उनकी कैपेसिटी बढ़ा देनी है सो दे आर वेरियस स्कीम्स टू कॉम्पनसेट टू स्टेट सो दैट दे कैन इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द पुलिस फोर्स तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उन पुलिस स्टेशन को फोर्टिफाई करने के लिए क्योंकि पुलिस स्टेशन अटैक होते हैं तो उन सब के लिए द सेंटर इज़ प्रोवाइडिंग मनी फॉर इट इसको बोलते हैं इस स्कीम का नाम है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इसके बियॉन्ड ये जो मिलिट्री एक्शन लिया ठीक है स्टेट्स ने अपने अपने एक्शन लिए फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश का एक मॉडल है जिसको बोलते हैं ग्रे हाउंड्स मॉडल तो आंध्रा मॉडल को ग्रे हाउंड मॉडल भी कहते हैं उसमें क्या होता है कि जो स्टेट की एक कमांडो फोर्स है अपनी कमांडो फोर्स है तो उन्होंने मिलिटेंट्स को अटैक किया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को अटैक किया ठीक है उसकी वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस कम हो गया उनकी लीडरशिप को मार दिया एंड जो बाकी लोग जो बचे थे उनको बोला आप सरेंडर कर लीजिए आप सरेंडर कर लीजिए हम आपको ठीक से रखेंगे सो मिलिटेंट एक्शन ठीक है मतलब मिलिट्री एक्शन एंड देन सरेंडर पुशिंग देम इनटू सरेंडर एंड देन रिहेबिलिटेटिंग देम। तो उनको ऐसे थोड़ी उनको तो लड़ाई लड़ाई करनी आती है तो उनको मेन स्ट्रीम इकोनमी में लेके आना है तो उसके लिए या तो उनको जमीन दे दी कि आप यहाँ पे खेती कर लीजिए या फिर उनको नौकरी लगवा दी और कुछ पैसे दे दिए कि मेन टाइम आप, आप खाना पीना खा लो ठीक है सो दैट इज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट बाई लार्ज सो ये जो अपनी हार्ड अप्रोच हो गई जहाँ पे गवर्नमेंट एक हार्ड एक्शन दे रही है मिलिट्री एक्शन दे रही है तो पुलिस फोर्स एक एक्शन हो गया दूसरा हो गया डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे कि कोबरा सो कोबरा इज द कमांडो फोर्स ऑफ द सेंटर ठीक है पैरामिलिट्री फोर्स की कोबरा है सी की डिप्लॉयमेंट है तो ये सब किया है यहाँ पे नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे काम करना टू एनश्योर क्योंकि भाई ये तो मानना पड़ेगा कि जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है हर जगह नहीं है वी डोंट सी इट इन चाइना ऑल्सो इवन दो माउ माओ जो है माओ से डॉम्ब इज फ्रॉम चाइना वहाँ पे क्यों नहीं है भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सो इट इज ओनली टेकिंग इन दोज प्लेसिज दो पॉकेट ऑफ द वर्ल्ड वेयर देर इज लैक ऑफ डेवलपमेंट सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज इशूज सो द फोकस शुड बी द फोकस हैज बीन फॉर इन्सिंस क्रिएटिंग बेटर सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल एक काफ़ी अच्छी स्कीम चल रही है न्यूज़ के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स तो जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है लेफ्ट विंग के अंदर वहाँ पे द गवर्नमेंट इज इंटेंसिफाइंग डेवलपमेंटल वर्क सो दैट उसको वो एस्पिरेशनल बन जाए बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए ठीक है तो थर्टी सिक्स डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर दिस स्कीम देन देर इज अ स्कीम नोन एज रोशनी रोशनी इज़ प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट सपोर्ट टू द पीपल क्योंकि इट इज़ अ यूथफुल पॉपुलेशन हु जॉइंस द रैंक्स ऑफ द मिलिटेंट्स ठीक है तो रोशनी स्कीम होगी आपकी देन एप्लीकेशन ऑफ द नरेगा ठीक है तो ऐसी काफी सारी स्कीम्स हैं जिसको सेंटर आ, मतलब ऑब्वियसली सेंटर इसको लगाता है यहां पे, तो एक बार इसको स्कीम्स को हम सारा डिटेल में देख लेते हैं तो पहली स्कीम होगी आपकी पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन देन देर इज टू 2015 में एक प्लान बनाया गया था टू कर्व द प्रॉब्लम ऑफ मिलिटेंसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ठीक है सो अ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी इन द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड अपहोल्डिंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी देन स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ होम द फाइटिंग फोर्सेज पुलिस फोर्स उनके लिए देन अ लॉ वॉज क्रिएटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ था ठीक है इसलिए यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसके अंडर सी पी आई वॉज बैंड एंड देन स्टेक सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम जिसके बारे में आपको बताया तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है बिकॉज ऑफ लेफ्ट विंग स्पेशली सिक्योरिटी फ्रंट में उसको वो सेंटर कॉम्पेंसेट कर देता है दूसरा है यहाँ पे इसके ही रेफरेंस में जेर इज दिस टर्म समाधान ठीक है समाधान के अंदर कुछ ये पैरामीटर्स लिखे गए है आई थिंक यू कैन रीड बाई योर मूविंग फॉरवर्ड द गवर्नमेंट है

Next is em emphasis on creating better infrastructure in the left wing prone areas. Then there is the scheme known as Universal Service Obligation Fund, basically for connectivity related things. Then application of Panchayat Extension uh, to Scheduled Areas Act to scheduled areas mein, so that giving people more autonomy in their respective regions. उनको राइट्स प्रोवाइड करना सो so दैट जो उनके लोकल मैटर्स है वो खुद गवर्न कर सके एक कंसर्न है ना कि सेंटर ऊपर से बाहरी लोग हमारे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए पीसा हो गया ठीक है तो ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने इनकोपरेट करी है लास्ट में आप कंक्लूजन में इतना सा बता सकते हैं कि इवन देन इवन दो दर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड बट द स्टेट कैन नॉट रेस्ट ऑन इट्स लॉरल्स मोर नीड्स टू बी डन टू फोकस ऑन द सोशियो economic पैरामीटर्स so that the left wing extremists कैन बी वीडेड आउट ऑफ the कंट्री ठीक है किस्से भी आप अपना अपने आप से जो मन में आता है आप लिख सकते हैं नेक्स्ट है क्वार के ऊपर है सो क्वार सिक्योरिटी डायलॉग इज ट्रांसफॉर्मिंग इट सेल्फ इंटू समथिंग मच मोर देन अ मेयर समथिंग मच मोर देन अ मेयर मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स ओके तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सिंपल अप्रोच थी हम क्वेश्चन ने सीधा सीधा बता रखा था यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट को आपने डिस्कस करना है एंड वी नो द कंटेक्स आल्सो कंटेक्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि देर इज़ अ परसेप्शन दैट द कॉड इज़ एम्ड एट काउंटरिंग चाइना ठीक है इनफैक्ट ये जो ऑस्ट्रेलिया ये जो ग्रुप कंट्रीज हैं यहाँ पे यूएस इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड जापान तो ऑस्ट्रेलिया बाद में है इस ग्रुप के अंदर पहले के जो यूएस होता था इंडिया होता था एंड जापान ये लोग अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते थे जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करते थे वन ऑफ द एक्सरसाइजेज वॉज मालाबार एक्सरसाइज तो उसमें अब ऑस्ट्रेलिया एड ऑन हो गया है तो मिलिट्री एक्सरसाइज करते करते ये गॉड बन गए सो डेफिनेटली देर इज अ मिलिट्री एस्पेक्ट टू इट और चाइना को ये लगता भी है राइटफुल लगता है दैट इट इज़ एम्ड एट कंटेनिंग चाइना बिकॉज अगर आप जोग्राफी देखेंगे यहाँ पे दिस चाइना दीज आर एशियन कंट्रीज ओवर हेयर ठीक है नीचे आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया सो देर वॉज अ कंसर्न दैट चाइना इज एंगेजिंग इंगेजिंग आलकम टू दी अप्रोच एक बार इसको कॉन्सेप्ट समझा दूँ एक बार देर इज अ कंसर्न दैट द चाइना इज बिकमिंग मोर एंड मोर अजर्टिव इन द रिस टाइम्स और दे मे ऑल्सो टेक ओवर द एंटायर साउथ चाइना सी रीजन ठीक है तो इसके ये एक इशू था दे हैव बीन बिकमिंग मोर एंड मोर मोरटिव इन द साउथ चाइना सी रीजन तो इससे कंसर्न है दैट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहाँ से बहुत सारा ट्रेड जाता है वर्ल्ड का सो द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में गेट अफेक्टेड तो लाइक वाइज सबसे पहले यूएसए गॉट इन टू इट यू को मौका मिल गया टू यू की चाइना इज इमर्जिंग एज सुपर पावर तो यू तो को एक मौका मिल गया एज पार्ट ऑफ इट्स प्यवर टू एशिया सो वो वेस्ट से हट के जैसे अभी अफगानिस्तान में थे वहाँ से हटके इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट ठीक है तो एक अब और इसको मुद्दा भी मिल गया यहाँ पे तो यू हो गया जापान के यू एस चाइना के साथ बनते नहीं है तो यू एस जापान साथ में हो गया इंडिया इज़ ऑल्सो कंसर्न अबाउट सम टेंशन विद द नॉर्थ चाइना नॉर्थ ईस्ट और uh, हमारे जो लैंड बॉर्डर डिफरेंसेस है तो इंडिया इज़ कंसिडरिंग अ पॉलिसी नोन एज आयरन कर्टन बाई वेयर बाई इट विल वेल ब्लॉकेट द स्टेट ऑफ मलक्का ठीक है एंड लाइक वाइज इट वॉन्ट्स टू एंगेज विद ऑन द इशू ऑफ द साउथ चाइना सी ऑल्सो सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए एंड जापानुप टूगेदर नोन एज दॉ ना वॉट वी सी इज द कॉर्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि ठीक है ये डायमेंशन पक्का पक्का है पर इंडिया के जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गया उन्होंने बोल दिया कि भाई कॉर्ड तो इज मच मोर देन दैट ऑस्ट्रेलिया वाले ने कहा कि कॉर्ड इज मच मोर देन दैट इवन दो चाइना से हमें कंटेन करने के लिए बट ऑस्ट्रेलिया ने कहा आपको ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो कॉर्ड चाइना को बोला सो इन दिस पर्टिकुलर आंसर वॉट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट बाई स्टेटिंग वॉट इज कॉल्ड ठीक है कॉल्ड क्या है और इससे एसोसिएटेड कॉन्ट्रोवर्सी क्या है क्या कंसर्न है चाइना की स्पेसिफिकली इन दिस रेफरेंस यू कैन स्टार्ट बाई स्टेटिंग दैट मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड यू कैन एम्फेसाइज इवन एम्फ मिलिटरी एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर एंड देन यू कैन से कॉड इज मच मोर देन अलिटरी अलायस एंड लास्ट में आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो इसमें गॉट इट तो सबसे पहले आप कॉड के बारे में बताएंगे फिर ये मिलिट्री अलायंस वाला एस्पेक्ट समझाएंगे आप कि कैसे है अभी वैसे मैं आपको समझा चुका हूं एंड उसके बाद आप बताइए कि कॉड इज मच मोर देन दैट कुछ इनिशियेटिव के रेफरेंसेस दीजिए आप एंड देन कंक्लूड ओके सो कॉड कॉड so, है कॉडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग वैसे भी नाम में कॉड है कॉड का मतलब हो गया चार ठीक है तो चार कंट्रीज है इसमें और इन्होंने इनका जो ओपनली स्टेटेड स्टैंड uh, है दैट इज दे वांट अ फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन सो दिस रीजन दैट यू सी इज इस इंडिया और पैसिफिक के बीच में आ रहा है तो इंडो पैसेफिक रीजन हो गया सो इट अलायंस विद द जियो पोलिटिकल ये जो कॉर्ड है इट अलायंस विद द जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज क्या है जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मेम्बर कंट्रीज हाँ जी सोचिए ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न अबाउट द राइज ऑफ द चाइना इन द रिसेंट टाइम्स एंड दे हैरी उनकी आपस में बन रही है आज कल यू एस ए वॉन्टेड टू मूव टूवर्ड्स टू एशिया ठीक है अब इनको ये मौका मिल गया एंड दे कैन इन सर्कल चाइना गिविन दैट चाइना इज बिकमिंग सुपर पावर प्लस इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एब्जर्टिव तो उनको लगता है कि यू नो इट इज एज अ फ्रंट टू बी मोर एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड बियॉन्ड दिस जपान एंड चाइना डज नॉट है इज ऑल्सो हैविंग दाइना एंड इट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द इंटरेस्टेड इन द साउथ चाइनाडेड नेबरहुड पॉलिसी ठीक है सो हर एक कंट्री के अपने, पर, अपने जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट है तो ब्रीफली आप इसको स्टेट कर दीजिए हैंस फॉर वेरियस रीजन्स क्योंकि हमने जो भी हमने जियो पोलिटिकल रीज़न दिया यहाँ पे हम देखते हैं सम वे डाउन द लाइन वर एम्ड एट कंटेनिंग चाइना चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू वॉट एवर जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट आर देयर विद इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस ए तो चाइना का एस्पेक्ट तो पक्का पक्का है पर अगर हम कॉड की देखते हैं वेबसाइट यहाँ जाए यह तो कॉड इज अबाउट ध्यान से पढ़िए इसको ये लिखा है फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन राइट यहाँ पर कंटेनमेंट ऑफ चाइना का कहीं रेफरेंस नहीं है हम इम्प्लाय कर रहे हैं उसको तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें बता रखिए द फोकस इज ऑन काउंटर डिसइनफॉर्मेशन मेरीटाइम सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन रीजनल सिक्योरिटी डिजास्टर रिलीफ सो द मैंडेट और द स्कोप ऑफ द कॉड इज मच मोर देन दैट ऑफ बीइंग अ मिलिट्री अलायंस बहुत वाइड है इसकी डोमेन यहां पर ठीक है so, सो और ये जो यूएस के जो अभी डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने भी ऐसे ही बोला अभी द कॉड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस बट टू एडवांस कॉपरेशन ऑन रीजनल चैलेंजेस दैट इज अ स्टैंड दैट इज टेकन बाय द यूएस बट हमें समझ आ रही है क्या है चलो तो फर्स्ट थिंग इज तो इट इज एम्ड एट क्रिएशन ऑफ एन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन आप ऐसे बता सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन सेकेंड इट एम्स एट एड्रेसिंग दशूज ऑफ टेररिज्म एंड नॉन प्रोलिफरेशन इन द रीजन थर्ड देर इज समथिंग नोन एज अ ब्लू डॉट नेटवर्क दैट वॉज नॉट रियली क्रिएटेड बाई द कॉर्ड बट कॉर्ड मेम्बर्स माइनस इंडिया तो इंडिया को छोड़ के कॉड मेम्बर्स ने एक ब्लू डॉट नेटवर्क डेवलप किया क्या है ये फिल्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है सो इट इज बेसिकली एंड असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या सर्टिफाई करेंगे ये लोग या आसिस करेंगे ये सर्टिफाई करेंगे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कोई भी डेवलपमेंट हो रही है तो वो किस तरह का है इज इट इन्वायरमेंट फ्रेंडली इट इज़ इज इट क्रिएटिंग इंक्लूसिविटी ठीक है तो वो सब पैरामीटर्स के बेसिस पे ये एक उसको सर्टिफिकेट देते हैं जिससे क्या होगा जिससे प्राइवेट कैपिटल कैन बी पुट इन टू दिस इन प्रोग्राम्स डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्रिएट किया है एंड इट इज़ सीन एज अ काउंटर ऑल दो इट इज़ नो वे क्लोज टू इट इट इज सीन एज अ काउंटर टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड बेऑन दिस द कॉड हैज बीन इंगेजिंग इन ह्यूमैनिटेरियन असिमेंट ठीक है एंड स्पेसिफिकली हम जो ये कोविड रिलेटेड जो सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हुई है उस पर भी उन्होंने काम किया है अभी इवन दो अफगानिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडो पैसिफिक रीजन पर इस पर भी उन्होंने काम करने की बात करी थी उस पर भी उन्होंने डिस्कशंस करी थी इन द रीसेंट टाइम सो द स्कोप ऑफ कॉड इज मच मोर वाइडर दैन जस्ट दैट ऑफ बींग मिलिट्री अलायंस समथिंग दैट काउंटर्स चाइना ओके ना हाउ वुड यू कंक्लूड इट सी माई कंक्लूजन इज मेरा मानना है कि कॉड लाइक हर एक का अपना अपना हो सकता है इज लॉट ऑफ एम्बिक्विटी हेयर मेरा मानना है दैट कॉड इज Nevertheless, even though the uh, scope of the cord is much more wider as compared to that being a military alliance, and it has the potential of being much more than that, but even then, there is an unmistakable aspect of containment of China or a geostrategic dimension that focuses on containing China. Okay, so this is my point of view. If I was writing, I would have written it in a more स्मूद वे में भी राइट सो दिस इज इट ये आज का हमारा मेन आंसर रेटिंग कंक्लूड करता है सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू प्रेप आइयर्स विद मी शुभाषी सिंह रेहाल बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट